तो जब थकान हो गई यहाँ लग रहा ना, आज आलस आ भी रही थी इसलिए और लग रहा थक गया। टोटली ब्लास्ट हो गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और जस्ट मैं आपसे इस टाइम मिल रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है दोपहर के, 1:30 से 2 बजने वाले हैं, 1:45 रहेंगे। तो बस अभी नहावा के आई हूँ और आज 13 मेरा कुछ सादा सादा ही जा रहा है, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या वीडियो में दिखाऊँ। रीज़न ये है कि मैंने कुछ ऐसा शूट किया ही नहीं वीडियो, तो मैंने सोचा आज आपसे बातें ही कर लेते हैं और बता देते हैं क्यों नहीं कुछ और शो किया। सीधे मॉर्निंग ड्रिंक से मैं आपसे अब मिल रही हूँ, दोपहर में सुबह 8 बजे मैंने मॉर्निंग ड्रिंक लिया था, जो जीरा और आजकल वो ले रही हूँ अजवाइन वाटर सौंफ का, तो वही लिया था। उसके बाद से सीधे अब लंच करने के बाद में, लंच भी आपसे शो नहीं किया। अभी जस्ट क्या कर रही हूँ, अभी मैं लंच करने के बाद मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ लेमन के साथ, एंड लंच के 45 मिनट बाद ले रही हूँ, 30 या 45 मिनट्स बाद लिया जा सकता है, तो वही कर रही हूँ। पहले इसको पी लेती हूँ, देन बताती हूँ क्या किया लंच में और क्यों नहीं दिखाया। ठीक है, सो पी लिया एप्पल साइडर विनेगर एंड बहुत ही टेस्ट ख़राब सा लगता है मुझे, लेकिन पी लेती हूँ। और सुबह थोड़ा सा ही मैंने बनाया था 1 कप जीरा टी, तो इसलिए अभी एप्पल साइडर विनेगर लिया और मैंने सोचा थोड़ा गैप भी दे दूँगी। एकदम से जीरा वाटर 3-3 गिलास पी रही थी। तो मैंने लंच में क्या किया मैं आपसे बताती हूँ। मैंने लंच में कढ़ी चावल ही खाए, बिकॉज कल की कढ़ी बची थी और मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाह रही थी, तो उसको क्या किया दोबारा से मैंने हल्का सा थोड़ा सा तेल में प्याज वगैरह डाल के उसको तड़का दे दिया एंड उसी को राइस से खा लिया। तो ये वो था मेरा लंच। और सुबह मैंने फ्रूट्स लिया था, 1 एप्पल बस लिया था। बिल्कुल मोबाइल उठाने की हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बिकॉज इतना ज़्यादा थकान लग रही थी, बिकॉज आज मैंने स्क्वाट किया था 30-40 स्क्वाट किया था मैंने, जिससे मेरे जंघे और मेरे पैर इतने भर गए हैं कि मुझे उठना बैठना चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद किया था। और जैसे जैसे मसल रिकवर होगा उसके बाद से मतलब कर पाऊँगी, आराम से चल पाऊँगी, लेकिन अभी बहुत ही दर्द हो रहा था। तो जैसे जैसे मैंने हस्बैंड से मांग के 1 एप्पल बेड पे ही खाई हूँ, चाय भी पिया था मैंने 1 कप टी आफ्टर मॉर्निंग ड्रिंक के बाद, मैंने 1 घंटे बाद अपना 1 कप चाय भी लिया था, देन उसके बस एप्पल खाया एंड उसका लंच कढ़ी चावल ही खाया गाइस, और कुछ भी नहीं स्पेशल था कि मैं आपसे दिखाऊं। मैंने कहा चलो बात ही कर लेती हूँ। और रही बात वेट लॉस कर रही हूँ कैसा जा रहा है, तो अच्छा जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, नहीं ज़्यादा तो थोड़े थोड़े में ही हो, वही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम से नहीं ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फिर वो गेन हो जाता है। ठीक है, तो मेरा वेट जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं सब कुछ खा रही हूँ, रोटी चावल छोले राजमा जो भी कुछ खाना है खा रही हूँ, घर का खाना खा रही हूँ, बाहर का नहीं, एंड उसके बाद भी मेरा वेट अच्छा जा रहा है। तो देखते हैं 1 मंथ में कितना लॉस करती हूँ, देन आपसे अपडेट करूँगी मंथ के लास्ट में। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई पूछता है कमेंट में या ऐसे भी, तो बताने में मज़ा आता है, तो बताने में थोड़ा एक्साइटमेंट होती है। तो ऐसा कुछ पूछ भी नहीं रहा कोई, तो मैंने कहा चलो आराम से ही अपडेट करेंगे, आराम से ही रिवील करेंगे वेट लास्ट में। 30 अक्टूबर को है ना मेरा कंप्लीट हो जाएगा 30 डेज, तो 30 अक्टूबर को मैं वेट अपडेट करूँगी, रिवील करूँगी कितना लॉस हुआ, कितना था, कितना नहीं, किस हिसाब से जा रहा था मेरा वेट, कितना ग्राम जा रहा था पर डे, तो वो सब आपसे बताऊंगी डिटेल में। और मैं इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में, कि ऑयली फूड कम खाऊं, बाहर की चीज़ें कम खाऊं एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊं, एंड नाइट का जो खाना है मेन चीज़, नाइट का जो खाना है डिनर, वो या तो ना लूँ या लूँ, नहीं रह पा रही हूँ अभी स्टार्टिंग है, तो कुछ हल्का लूँ जिससे मेरा जो डाइजेशन है सोने जाने से पहले ही
खत्म हो जाए, मतलब मेरा जो बॉडी है ना, जो सिस्टम है, रेस्ट पीरियड में चला जाए, वो भी रेस्ट करे। ये नहीं हो कि मैं लेट खा रही हूँ या हैवी कुछ खा रही हूँ जिससे मैं सोने जाऊँ तो मेरी जो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सोते सोते भी होता रहे, जिससे पूरी रात बॉडी डिस्टर्ब होती है और अगले दिन वेट गड़बड़ाता है। तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि रात में जल्दी खा लूँ, डिनर जल्दी कर लूँ 7 बजे तक या 7 बजे से पहले, या कुछ आफ्टरनून में हैवी खाई हूँ, लेट खाई हूँ, 3-4 बजे खाई हूँ, तो मैं स्किप कर दूँ डिनर। तो जैसे अगर आप लोगों ने मेरा डे 12 देखा होगा तो मैंने डिनर नहीं किया है, कड़ी चावल 2:30 बजे के 3 बजे नहीं 3 साढ़े 3 बजे खाई थी, 2:30 बजे तो बच्चों को खिलाया था तो वो याद था मुझे, 3:30 बजे मैं कढ़ी चावल खाई थी, लगभग 4 बज गए थे, तो उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, खाना खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब शाम को वॉक भी किया था मैंने 30 मिनट्स, उसके बाद से मुझे पता है 9 बजे के आसपास मुझे हल्का हल्का फील हुआ कि मेरा स्टमक अब जाके हल्का हुआ है, तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं कुछ खाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने ड्रिंक लिया बस, नाइट ड्रिंक, उसके बाद से मैं सो गई। तो ये होता है मेरा प्रोसेस कि मैं कोशिश करती हूँ या तो लंच लेट करूँ, लंच हल्का करूँ तो डिनर में कुछ हल्का भी ले लूँ, लंच हैवी करूँ, करने वाली हूँ, मुझे पता है कि मुझे अगर चावल खाना है या कुछ ऐसा हैवी चीज़ खाना है तो मैं लंच थोड़ा लेट करती हूँ, 3 से 4 बजे कर लूँगी, जिससे डिनर में हल्का लूँ या फ्रूट्स पपाया ले लूँ या तो स्किप कर दूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे ना तो वेट लॉस प्रोसेस भी ईजी होगा। और अगर आप नहीं रह पा रहे, मैं नहीं कभी कभी रह पाती हूँ, होता है खा लिया जाए चलो यार इतना भी क्या है, तो मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ चूज़ करूँ जिससे मेरे वेट लॉस जर्नी में डिस्टर्बेंस ना हो। तो पपाया ले लेती हूँ, कभी खीरा खा लिया, अभी तो खीरा खाया नहीं है, खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं। तो ये चीज़ें, पपाया से एक हेल्प है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है ना, सुबह का जो आप फ्रेश होना चाहते हैं आराम से हो सकते हैं, तो पपाया ज़रूर इंक्लूड करिए डाइट में। तो ये चीज़ था, तो चलिए ये थी सारी बातें। एप्पल साइडर विनेगर मैंने ले लिया है, अभी बज रहे थे 2 बज रहे हैं, अब जाऊंगी बच्चों को थोड़ा सा सुलाने, स्कूल से आ गए हैं वो, बस लंच करिए मायरा, अपना लंच करिए, खाने मतलब खा रही है, स्कूल से आने के बाद जो खाना खाते हैं वो खा रही है, अब जाऊंगी इन लोग को सुलाऊंगी, फिर मैं भी थोड़ा सोऊंगी कि सुबह 5 साढ़े 5:15 बजे की जगी हूँ अभी तक आंखों में, मतलब लेटी थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी, इतना पेन, हेडक पेन सब हो रहा था। तो एकदम से लगातार वर्कआउट भी कर रहे हैं हम लोग, तो आदत में आ जाएगा बॉडी को, लगभग 1 महीना तो लगेगा मेरे ख्याल से, अभी अभी 15 दिन होंगे मेरे संडे को। तो चलिए शाम को देखते हैं क्या खाऊंगी, वो आपसे शेयर करूंगी। और कढ़ी चावल आज भी मैंने खाया इसलिए मैंने नहीं दिखाया, और अभी भी हैवी वो फील हो रहा है, इसलिए मैंने ये एप्पल साइडर विनेगर लिया था कि जल्दी से मेरा ये जो है ना पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए और थोड़ा सा हल्का हो जाए मेरा पेट। तो शाम को आपसे शेयर करूंगी क्या खाऊंगी। तो यही रीज़न था मैंने ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया, जो है ऑनेस्टली आपसे शेयर करती हूँ क्या खा रही हूँ क्या नहीं, और होप सो अच्छा जाए मेरा वेट लॉस जर्नी। तो चलिए मिलते हैं शाम के समय टी के साथ, ठीक है, चलिए बाय बाय। शाम के बज रहे हैं 6, 6:15 हो रहे हैं, 6 बजे से मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करने आ गई थी, 10 मिनट हो चुके हैं करते करते, सडनली मुझे याद है कि मैं थोड़ा कैमरे में बोल दी तो बस देखिए अंधेरा हो रहा है, तो बस वॉक करूँगी 1/2 घंटे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना आज मेरे पैरों से ज़्यादा चला नहीं जा रहा, बट एकदम से छोड़ नहीं रही हूँ, मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा ही करके चलूँ जी, क्योंकि सुबह स्क्वैट किया था उसके चक्कर में मेरे पैर भर गए हैं बहुत ज़्यादा, मसल्स मतलब लग रहे हैं मुड़ नहीं रहे हैं या अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ, अजीब से हो रहे हैं। तो चलिए वॉक करके जाएंगे, अपना जो खाना होगा लास्ट मील लूँगी, फिर आपसे शेयर करती हूँ क्या खाने वाली हूँ।